इंदौर शहर के आसपास बने पर्यटन स्थल पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि आगामी समय में यदि मौसम साफ होता है तो पर्यटन स्थल को खोल दिया जा सकता है। दरअसल पर्यटन पर लगे प्रतिबंध को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि हेरिटेज ट्रेन चल रही है जिसके समय में कटौती की गई है ताकि पर्यटक ट्रेन में घूम सके और पर्यटन स्थल पर ट्रेन से नीचे नहीं उतरे, किंतु यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करना चाहिए। वहीं मौसम विभाग से चर्चा की जाएगी, यदि आने वाले समय में अधिक बारिश का खतरा नहीं रहता है तो ये प्रतिबंध हटा दिए जा सकते हैं। हेरिटेज ट्रेन को अलाउ किया था हम लोगों ने, उन्होंने स्टॉपेज थोड़ा कम किया था वहाँ पर ताकि जो हेरिटेज ट्रेन में मूव करने वाले लोग हैं वो ट्रेन में यथासंभव रहें या उतर के स्टेशन पर ही रहें, नीचे ना जाएँ समय कम करने से। तो ट्रेन परमिटेड थी वो, और पर्यटक अगर कहीं गए होंगे तो वो स्थानीय प्रशासन की त्रुटि है, वो ऐसे लोगों की गाड़ी जब्त करके और उनके खिलाफ सेक्शन 188 में FIR करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से अभी ये लास्ट स्टेज था इसका बारिश का, मौसम विभाग से बात करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि आने वाले समय में बड़े स्पेल नहीं आएंगे तो ये जो काई लगी हुई है पत्थरों में ये 3-4 दिन धूप में सूखेगी, उसके बाद फिर हम लोग अलाउ करेंगे लोगों को। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते शासन ने पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अब बारिश का दौर थम चुका है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पर्यटन स्थलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।